नमस्कार साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं नवंबर 2022 मंथ का करंट अफेयर्स। आपको पता ही है कि हम वो फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना शो। लेट्स बिगिन दी शो। तो सबसे पहले जो पहली न्यूज़ है या पहला फैक्ट है वो है उत्तर प्रदेश। हाँ, याद रखना है आपको कि ये नवंबर 2022 का है। मंथली बेसिस पे आप जाके देखेंगे अगर, तो जो मंथली शतक करके प्लेलिस्ट है उसमें आपको और भी मिल जाएंगे, या शायद मंथली करंट अफेयर करके है तो वहाँ पे आपको सारे मंथ्स का मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि हमारे फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व करके एक है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का है और इसको भारत का 53rd और उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व के रूप में सेट कर दिया गया, बना दिया गया। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाता है रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में तो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फ्रेंच के एक ऑथर हैं रेन नबा, जिन्होंने एक बुक रिलीज की है जिस बुक का नाम है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, ठीक है। तो इस पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि ये किसने लिखी है, तो आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है यूजीसी। आपको पता ही है जो यूनियन ग्रांट कमीशन होता है हमारा, एक्चुअली यूजीसी है, यहाँ पे यूसीजी लिख गया है। उसने प्रपोज किया है भारतीय भाषा दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए किस डेट को, दिसंबर 11। तो पूछा जा सकता है कि भारतीय भाषा दिवस को किस दिन सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया है, तो दिसंबर 11 को करने के लिए बोला गया है। और किसके द्वारा, तो यूजीसी, यहाँ पे हम इसको यूजीसी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है हमारा परमा क्राइसिस। ये परमा क्राइसिस करके एक वर्ड है जिसको कोलिंस डिक्शनरी ऑफ वर्ड की ईयर 2022 का वर्ड माना गया है, जो शब्द है वो माना गया है। अगर देखें, बात करें परमा क्राइसिस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, जिसका काफ़ी समय से चल रहा हो इस तरीके से, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी। एग्जाम्स में आ सकता है कि हाल ही में कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर था, तो आपको वर्ड ऑफ द ईयर याद रखना है परमा क्राइसिस। आपको यहाँ से परमानेंट क्राइसिस से भी समझ सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी काफ़ी समय तक हो। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। 7 जो इंडियन स्टेट्स हैं और 2 यूटीज हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना फॉर्मेशन डे कब, अभी नवंबर 1 को, ठीक है। यहाँ पे शायद आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, तो नवंबर 1 को वो लोग अपना सेलिब्रेशन, काफ़ी मिस्टेक हुई है इस बार, क्या कहते हैं टाइपिंग में, डे है ये, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश 1956 में बना था, छत्तीसगढ़ 2002 में बना, हरियाणा, ये हरियाणा लिखा है, 1966 में बना, कर्नाटका भी 1956 में बना था, केरला 56 में, एमपी 56 में, पंजाब 66 में, वही यूटीज जो हैं 2 वो बनी थी, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। तो याद रखना है कि 1 जो नवंबर होता है वो किस 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 का फॉर्मेशन डे होता है, तो 7 स्टेट्स और 2 यूटीज हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। स्विट्जरलैंड ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, उन्होंने क्या किया है, एक लॉन्गेस्ट पैसेंजर जो ट्रेन है वो बनाई है, उस पैसेंजर में 100 कोचेज हैं। आपको याद रखना, एग्जाम से पूछा जा सकता है, हालांकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन अभी हाल फिलहाल में किसने बनाई है, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है तभी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो स्विट्जरलैंड ने बनाई है, 108 कोचेज हैं, डब्बे जिनको हम बोल सकते हैं, 1910 मीटर इसकी लंबाई है और 4550 सीट्स हैं उसमें। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, चलिए बात नेक्स्ट कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, ये आपको याद रखना है। चलिए, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है लखपति दीदी योजना। दीदी मतलब हमारी बहनों को हम दीदी बोलते हैं, तो लखपति दीदी योजना। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगा, 1.2 लाख जो वीमन होती हैं, जो कि जो हमारे होते हैं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG जिनको बोलते हैं, उनमें जिनके अकाउंट्स हैं उनको मोटिवेट करेंगे, उनको स्किल्ड बनाएंगे, और उनका जो छोटा मोटा इंटरप्रेनर है, उनका जो काम है, उसको लेके आएंगे बड़े बड़े ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उनके साथ, ताकि वो अपना सामान बेच सके, लाइक अमेजन और फ्लिपकार्ट। आई होप आप समझ गए होंगे ना। तो याद रखना है इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो उत्तराखंड की स्कीम है लखपति दीदी योजना, सेकेंडली किसने किया है, पुष्कर सिंह धामी। किन के लिए किया गया है, तो वीमन के लिए है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में, मतलब जिनका ग्रुप है, वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के एक पार्टिसिपेंट हैं। क्या करना है, अपने सामान को वो ई कॉमर्स इस तरीके से उसमें ऐड करना है, गवर्नमेंट उनको फंड करेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एमपी का उज्जैन जो है वो सून बहुत जल्दी उसको मिलेगी वैदिक क्लॉक। वैदिक क्लॉक होती है जो कि हमारे सन से सिंक्रोनाइज्ड होगी, ठीक है, सन से सिंक्रोनाइज्ड होगी। तो वो कहाँ होनी याद रखना है, उज्जैन, और उज्जैन कहाँ है, एमपी में। वैदिक क्लॉक ये वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक होगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो उत्तराखंड में गौरव सम्मान, उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है, सॉरी, वो दिया गया है NSA अजीत डोवाल जी को, हमारे लेट CDS जनरल बिपिन रावत जी को,
पोइट प्रसून जोशी जी को और तीन और अदर लोगों को भी दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो गौरव सम्मान है 2022 का वो किस किस को दिया गया। ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं तो मैंने आपसे शेयर कर ली। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। गुआना एक देश है जिनके प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ठीक है, ये होंगे चीफ गेस्ट हमारे जो 17th प्रवासी भारतीय दिवस होता है, जो हमारे भारतीय प्रवासी हो चुके हैं उनके बारे में हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 8 से 10 जनवरी तक कहाँ होगी, इंदौर में। तो आपको याद रखना है ये हैं मोहम्मद इरफान अली। मैंने उनकी पिक आपको दे रखी ताकि रिकॉल हो। आपको पता ही है मेरा टेक्निक क्या रहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब जितना ज़्यादा हम पिक्चराइजेशन से मेमोरी को रिकॉल कर सकते हैं उससे और कोई बेस्ट तरीका नहीं है। चलिए मोहम्मद इरफान अली को आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन स्क्वैश टीम थी, किसकी थी, मेंस की स्क्वैश टीम। उन्होंने पहली बार जिसको लीड कर रहे थे सौरभ घोषाल, ये आप यहाँ पे याद रखना है, ये सौरभ घोषाल, उन्होंने फर्स्ट एवर जो गोल्ड है वो एशियन स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में जीता है। ये फोटो है, ये उनकी पूरी टीम है, तो बहुत बहुत बधाई। तो पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में किसने जीता है, या कभी कभी क्या होता है कि खिलाड़ी का नाम और उससे जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स पूछ देते हैं। तो अगर पूछा जाता है सौरभ घोषाल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो हमें बताना है स्क्वैश से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी क्या है हाल फिलहाल में, ये भी आ सकता है कि हाल फिलहाल में हमारा जो ऑयल का सप्लायर है वो सबसे टॉप कौन हो गया है, तो अभी रसिया हो गया है, जिसने कि सऊदी अरेबिया को पीछे कर दिया है। पहले हमारा सऊदी अरेबिया था जिससे हम सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट कर सप्लाई कर लेते थे, हम इम्पोर्ट करते थे, बट अब रसिया हो चुका है। चलिए और ये भी है कि इतनी क्राइसिस होने के बावजूद, यूक्रेन से युद्ध होने के बावजूद भी हमारे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नागालैंड ने ऑर्गेनाइज़ किया है एक बर्ड काउंट, मतलब जो चिड़ियाँ होती हैं उनके काउंटिंग के लिए, जिसको बोला जा रहा है थोखू इमोंग बर्ड काउंट। ये एक एफर्ट है प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बर्ड्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है। और ये इस तरीके से, ये आप फिगर देख सकते हैं, इस तरीके से वो लोग करेंगे और काफ़ी मतलब गाने आने गा के एक अच्छा सेलिब्रेशन किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव, वो पहले, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, वो पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने T20 रन्स एक कैलेंडर में, एक साल में 1000 रन से ज़्यादा बनाए, ठीक है। तो पहले ये बैट्समैन हैं जिन्होंने ऐसा किया है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। केरला आपको पता ही है ऐसा स्टेट है जो कि गोल्ड को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। तो उसने अभी क्या किया है कि एक नई पॉलिसी लाया है जिसने क्या किया है कि जो हमारा बैंक रेट होता है उसी के तहत उसने यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइसेस को तय कर दिया है। तो इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो पूछा जा सकता है कि गोल्ड कंज्यूमिंग स्टेट सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है, तो आपको याद रखना है केरला है। सेकेंड नंबर पे वो पहला स्टेट इंडिया बन चुका है जिसने यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइसेस, मतलब एक जैसा आप कहीं भी रहें यूनिफॉर्म गोल्ड होगा, उस वो इस तरीके की स्कीम लॉन्च की है जो कि बेस्ड होगी बैंक रेट से। बैंक रेट आपके बारे में आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो डू कमेंट कि नहीं पता, इस पर मैं एक्सेप्टेड भी बना दूंगा, आप जितना जो जानते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी G20 समिट होना है, कौन सा, 18वां 2023 में, इंडिया उसको हेल्ड करेगा, इंडिया उसकी मेज़बानी करेगा। लोगो और थीम मैं आपको यहाँ पर दिखाई दिया, ये लोगो है उसका, कमल के फूल को लेकर काफ़ी दिक्कतें भी आई थी, और इसका थीम था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एग्जाम्स में आ सकता है, क्या क्या आ सकता है आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 18th इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस, देखिए मेन बात यह है कि यहाँ जब हमने बात की ना, तो ये G20 समिट इंडिया हेल्ड कर रहा है, 18th नंबर का है, ये एग्जाम से पूछा जा सकता है, बट यहाँ पर 18th नहीं इतना पूछा जाएगा, हमें इस पर फोकस करना है कि इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस होती क्या है। तो इसका नाम है, इसका नाम दिया गया है टेलीमेडिकॉन 2022, और कहाँ हेल्ड होगी, केरला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यूपी होस्ट करेगा 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो उत्तर प्रदेश के लिए और जो भी उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिकली जुड़े एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली, एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है, कभी कभी टूर्नामेंट वाले भी पूछ दिए जाते हैं कि किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, इस बार का जो ट्रॉफी जीता है वो मुंबई जीता है, किसको हराया है, हिमाचल प्रदेश को हराया, ठीक है, मेडन टाइटल है, मतलब पहली बार जीता है मुंबई, इस वजह से इंपॉर्टेंट इन नेचर का इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। पीएम ने एक स्टैचू को क्या कहते हैं अनावरण किया है, अनवील्ड किया है, 108 फीट का वो स्टैचू है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, एंड वो जो स्टैचू है वो कहलाता है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ये है वो क्या कहते हैं स्टैचू, आप देख रहे होंगे, तो बना हुआ है, किन के नाम पे बना है, तो श्री नादा रभु एंगपेगौड़ा केम्पेगौड़ा, ठीक है, इनके नाम पर बना हुआ है, ये हैं
जिनके नाम पे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या रहता है, ये क्या है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, याद रखना है आपको। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ऐसे देखते हैं ना इमेजेस, तो हमें याद रहता है कि हाँ अच्छा ऐसा कुछ रिकॉल कर सकते हैं। चलिए, T20 वर्ल्ड कप हुआ अभी, आपको पता ही होगा, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट से ताल्लुकात रखते हैं, पसंद करते हैं। तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया, फाइनल में जीत गए हैं। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो जो चार चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कि बताएं, नताशा पिरमुसर, ठीक है, ये इलेक्ट हुई हैं स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट, ये हैं वो लेडी, ठीक है, रिपब्लिक स्लोवेनिया की पहली प्रेसिडेंट है। महिला सशक्तिकरण के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट इन नेचर का फैक्ट हो जाता है, नताशा पिरमुसर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, G20 समिट जो है हमारा 18th इंडिया में होना है, कहाँ हुआ था अभी, तो बाली, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। चलिए इसके बाद जेफ बेजोस, आपको पता ही, अमेजन कंपनी के मालिक हैं, या बोल सकते हैं CEO हैं। तो इनकी जो कंपनी है अमेजन, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि किसी भी कंपनी के द्वारा हिस्ट्री में इतना लॉस कभी नहीं हुआ एक मार्केट कैप में। तो $1 trillion का लॉस हुआ है, तो पहली कंपनी बनी है इतना लॉस सहने के लिए, या बोल सकते हैं झेलने के लिए। तो आपको याद रखना है कि कितना डाउन जा रही है अमेजन कंपनी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो था वो पहले था कहाँ, नैनीताल में, नाउ इट इज़ शिफ्टेड टू हल्द्वानी। तो अगर जैसे उत्तराखंड का कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी कोई भी एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट बड़ी एंटिटी होती है, अथॉरिटी होती है, जब वो मिसप्लेस या डिसप्लेस्ड होती हैं तो एग्ज़ाम्स में उनसे पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए इसके बाद है गियानी इन्फेंटिनो, ये क्या है, ये थर्ड टर्म इनको चुना गया है फीफा, आपको पता है, ये फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो है उनका, उसके प्रेसिडेंट, ये उनकी इमेज है, आप देख सकते हैं। तो पहले काफ़ी दिन से थे, बट फिर से चुने गए हैं, नाम उनका क्या है, अभी फुटबॉल जीता कौन है ये भी, अब मैं जब दिसंबर के करंट अफेयर आएगा तो उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि फुटबॉल टूर्नामेंट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें आपके बारे में बताएंगे, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट इन नेचर का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर, पहला है, आपको पता ही है कि भारत जो है वो मेडिसिन की जो चीज़ें हैं, चाहे यूनानी हो जाए चाहे आयुर्वेद हो जाए, इस पर काफ़ी फोकस करता है, क्योंकि यूनानी आयुर्वेद इनका जनक माना जाता है भारत। तो इस तरीके से अगर कोई सेंटर्स खुलते हैं तो वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर्स नॉर्थ ईस्ट का, याद रखना है, अपना जो सेवन सिस्टर्स एरिया है वहाँ का इनोग्रेट किया गया है, कहाँ, असम के सिलचर में, तो पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट है, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ IFFI, इसमें तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी, आप जानते होंगे चिरंजीवी जी को, उनको सम्मान दिया गया है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, ठीक है, दिया गया, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रसिया ने चाइना को रिप्लेस कर दिया है टू बिकम बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर टू इंडिया, ठीक है। तो एक तो ऑयल में तो हो ही गया था सबसे टॉप पे, अब उसने क्या किया है, फर्टिलाइजर में भी चाइना को पीछे कर दिया और टॉप पोजिशन पर आ गया है रसिया, ठीक है। चलिए इसके बाद है जोबरा, जोबरा एक वर्ड है, कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि जोबरा क्या है, एक मिसाइल है, एक सबमरीन है, एक एंटी टैंक है, या तो ये एक डॉग है जो यूज होता था एंटी पोचिंग स्क्वाड में, K9 स्क्वाड का नाम था, अभी उनका देहांत इस कुत्ते का, सॉरी कुत्ता तो नहीं बोलना चाहिए, बट ये जो थे डॉग जी, इनको क्या ही बोल रहा हूँ, इनको इनका अभी देहांत हुआ, ये 5 दफे हो गए हैं, तो जोबरा वर्ड हमारे एग्जाम्स के लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कतर ने अभी एक वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन साइन की है, किसके साथ, चाइना के साथ, तो ये भी हो सकता है एग्जाम्स में आ जाए। इसके बाद INS मार्मुगाओ, ठीक है, मार्मुगाओ, ये एक हमारा, देखिए एक 15B करके प्रोजेक्ट था जिसमें चार जो थे वो शिप बनाने थे इस तरीके से, तो उसमें बनाए गए हैं 2 शिप, दूसरा शिप है मार्मुगाओ, ये इंडियन नेवी को दे दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि INS मार्मुगाओ जो है वो किस प्रोजेक्ट से है, एक 75B करके भी है और 15B है, 25A करके, इस तरीके से रहते हैं, कभी टाइम मिलेगा, या आप 5 का 5 करके मैंने एक सीरीज चला रखी थी, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे मैंने जब ये टॉपिक आया था तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो आप वहाँ से जाके एक बार वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये 15B, 75B, 25A इस तरीके से नाम क्यों रखे जाते हैं प्रोजेक्ट्स के, उसके बारे में बताया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं मार्मुगाओ किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये एग्जाम्स में आ सकता है। इसके बाद है तमिलनाडु बैट्समैन नारायण जगदीशन थे, जिन्होंने जो फर्स्ट क्लास होता है उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडिविजुअल स्कोर बनाने का, लिस्ट ए, ठीक है, जिसको हम वनडे बोलते हैं ना, तो जो वनडे होता है ना हमारा, तो वही जब लिस्ट ए होता है, मतलब हम अंदर ही अपने स्टेट्स के साथ खेलते हैं उसमें, तो इन्होंने क्या किया कि 140 बॉल में 277 रन बनाए। आजकल क्रिकेट को काफ़ी फोकस करें लोग, हो सकता है पूछा जाए, तो ये आपको याद रखना है।
अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट, ठीक है, कहाँ के हैं, कहाँ के ये, तो ये हैं तमिलनाडु टीम के। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के पहले ऐसे मेल प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्या किया है, स्कोर किया है, मतलब गोल किया है। तो आपको याद रखना है, पार्टिसिपेट तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, बट हर एक उस इवेंट में गोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उन्होंने किया है, ये उनका इमेज है, तो आपको याद रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अर्जेंटीना के, और इस बार सॉरी पुर्तगाल के, इस बार जो वर्ल्ड कप चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है, आगे जब हम आपसे शेयर भी करेंगे। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह इल सीसी, ठीक है, ये हैं, उनको चीफ गेस्ट के रूप में, जो अपना रिपब्लिक डे होगा ना 2023 का, उसके रूप में चीफ गेस्ट बनाए गए हैं। इजिप्ट के हैं प्रेसिडेंट अब्देल फतेह इल सीसी, याद रखना है आपको, एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देते हैं कि कौन था क्या नहीं था। इजिप्ट के हैं, काफ़ी यूनिक कंट्री से आ रहे हैं। इसके बाद एक फिल्म है डियर डायरी, अभी एक देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी एक 53 आर चैलेंज करके एक इनिशिएटिव चला था जिसमें जो क्रिएटिव माइंड्स हैं उनको चुना जाना था, तो उनमें एक फिल्म थी डियर डायरी, उसको चुना गया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि 53 आर चैलेंज क्या था, एक क्रिएटिव माइंड्स मतलब जो लोग अच्छा सोच सकते हैं उनके लिए एक ये बोल सकते हैं कि एक प्रोग्राम था जिसमें सारे कैटेगरी के लोग आ रहे थे, फिल्म कैटेगरी के भी लोग गए, जिसमें डियर डायरी को इनाम मिला या वो जीती है। चलिए इसके बाद है कनाडा ने फर्स्ट डेविस कप जीता है, डेविस कप किसके लिए होता है, टेनिस के लिए, किसको हराया है, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा ने पहली बार जीता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं, ओडिशा ने लॉन्च किया है एनीमिया इरेडिकेटिंग प्रोग्राम, एनीमिया जो होता है वो खून की कमी से होता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो उसका नाम क्या रखा है, अम्लान, जिसका फुल फॉर्म है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, ठीक है, किसने किया है, ओडिशा ने किया है, स्टेट हमें याद रखना है, किसके लिए किया है, अनीमिया को इरेडिकेट ख़त्म करने के लिए। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ एक खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेट खेलते हैं, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है में एक ही ओवर में 7 छक्के लगाए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट, तो ये भी आ सकता है। इसके बाद मंकी पॉक्स डिसीज़ जो थी उसका नाम बदल के अभी एम पॉक्स कर दिया गया है, किसके द्वारा होता है ये सब, तो WHO करता ही है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं अवानी लखेरा, जिनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला गया है, कब का, 2022 का, ठीक है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि लखेरा जी जो हैं ये विच स्पोर्ट्स सी प्ले, ठीक है, वो कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं ये अब बताना है आपको, कमेंट में बताइएगा। बाकी ये था पूरा करंट अफेयर, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अपना और अपनों ख्याल बना के रखिएगा। मैं हर एक वीडियोज़ में बोलता हूँ कि सर्दी बहुत ज़्यादा